पाकिस्तानी दुनिया की सबसे ज्यादा पुरुमीत कौम, तरक्की याफ्ता मुमालिक के शहरियों को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी रियासत पर इत्मीनान का इजहार, खुद को महफूज करार दे दिया। गैलिप पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ मार्केट रिसर्च के नए सर्वेज में इन अफराद की फहरिस्त जारी की गई है जिन्होंने अपने मुल्क में अपने मुस्तकबिल को महफूज या गैर महफूज करार दिया है। सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी मुल्क में अपने मुस्तकबिल से पुरउम्मीद नजर आए और महफूज करार दिया, ताहम 24% पाकिस्तानियों ने मुस्तकबिल को गैर महफूज करार दिया। सर्वे में पाकिस्तान समेत 23 ममालिक के शहरियों को शामिल किया गया जिसमें पाकिस्तानी शहरी अपने मुस्तकबिल के लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरियों से भी ज्यादा पुरउम्मीद नजर आए। सर्वे में कहा गया है कि फिनलैंड के 59, तुर्की के 47, बर्तानिया के 41, जर्मनी के 42, जापान के 37, फ्रांस के 30 और इटली के सिर्फ 29% ने अपने मुल्क में अपने मुस्तकबिल को महफूज करार दिया। गैलप का कहना है कि दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमुई औसत 42% है, जबकि पाकिस्तानियों में मुस्तकबिल को महफूज समझने की शरह आलमी औसत यानी 42% से काफी बेहतर है। अगर बात की जाए उन मुमालिक की जहां ज्यादातर शहरी अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज ख्याल करते हैं तो इसमें लबनान सरे फहरिस्त है जहां 78% शहरी अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज कहते हैं, जबकि इटली में 68, फ्रांस में 67, जापान में 57, जर्मनी और बर्तानिया में 55% शहरी मुल्क में अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज समझते हैं। सर्वे में 24 ममालिक के 19,000 अफराद को शामिल किया गया जबकि 500 पाकिस्तानियों ने भी सर्वे में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में ये सर्वे 5-8 अप्रैल 2022 में हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।